क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टेबल गिवन है, देखें नंबर ऑफ डेज गिवन है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है और मीन फाइंड करने के लिए कहा गया है। देखिए जब भी हम मीन फाइंड करते हैं तो हमेशा थर्ड कॉलम हमारा जो बनता है क्लास मार्क फाइंड करते हैं हम, इसमें क्लास मार्क का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए क्लास मार्क जो होता है ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में टू, अपर लिमिट अपॉन टू होल के अपॉन में टू करते थे कि इस क्लास इंटरवल की हमारी जो लोअर लिमिट है वो क्या है जीरो, अपर लिमिट क्या है सिक्स, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और अपॉन में क्या कर दिया मैंने टू, कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थ्री। लोअर लिमिट हमारी सिक्स है और यहाँ पर अपर लिमिट हमारी टेन है। आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं कि जो हमारे क्लास इंटरवल गिवन है ये वेरिंग लेंथ्स के हैं। वेरिंग लेंथ्स का मीन्स इसमें जो क्लास साइज़ है वो चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्लास साइज़ है कितना है सिक्स का है, डिफरेंस सिक्स का है, यहाँ पर कितना है फोर का है, फिर फोर का है, यहाँ पर सिक्स का हो गया, यहाँ एट का हो गया, तो ये हमारे वेरिंग लेंथ्स के इंटरवल कहलाते हैं। हमें इसमें टेन प्लस फोर्टीन ऐड करेंगे और अपॉन में टू कर देंगे, कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन टू इक्वल्स टू कितना जाएगा ट्वेल्व। देखिए यहाँ पर क्लास मार्क हम जो डिनोट करते हैं एक्स आई से करते हैं, तो यहाँ पर अब फोर्टीन प्लस ट्वेंटी अपॉन टू कितना हो जाएगा थर्टी फोर अपॉन टू इक्वल्स टू सेवनटीन हो जाएगा, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एट अपॉन टू कितना हो जाएगा ये फोर्टी एट अपॉन टू इक्वल्स टू कितना हो गया ट्वेंटी फोर हो जाएगा, ट्वेंटी एट प्लस थर्टी एट अपॉन में टू कर देंगे कितना हो जाएगा ये सिक्सटी सिक्स अपॉन टू इक्वल्स टू थर्टी थ्री, थर्टी एट प्लस फोर्टी अपॉन टू इक्वल्स टू सेवेंटी एट अपॉन में टू इक्वल्स टू थर्टी नाइन हो जाएगा। ये हमारे क्लास मार्क फाइंड हो गए। फोर्थ कॉलम जो होता है हमारा डी आई फाइंड करते हैं। डी आई, डी आई जो फाइंड होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, ए हमारा होता है एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर इस क्लास मार्क में से जो लगभग बीच की वैल्यू होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। तो देखिए हमारे सेवन रोज हैं, इसमें जो ये फोर्थ वाली रो है ये जो हमारी सेवनटीन वैल्यू है क्लास मार्क वाली को, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो यहाँ पर लिख भी लेंगे हम लेट एज्यूम्ड मीन ए इक्वल्स टू सेवनटीन, या आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लगभग लगभग बीच की मान लेनी चाहिए। अगर आप 12 या 24 भी मान लेते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज आ जाएंगी डी की वो अलग अलग आ जाएंगी। मैंने 17 को मानना है तो 17 के हिसाब से देखिए हम डी आई फाइंड कर रहे हैं। देखिए एक्स आई लेंगे यहाँ पर माइनस ए करेंगे एक्स आई, ये वाली वैल्यूज देखिए 3 माइनस 17, हर वैल्यूज़ में से हमारा 17 माइनस होगा क्योंकि हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है 17 है। देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाले जो रोज़ हैं ये इस एज्यूम मीन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इनकी माइनस में ही आएंगी। 3 माइनस 17 करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14 आ जाएगी, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 8 माइनस 17 इक्वल्स टू कितना जाएगा ये माइनस का 9 आ जाएगा, 12 माइनस 17 इक्वल्स टू में आ जाएगा देखिए माइनस का 5। जो एज्यूम मीन वाली रो होती है उसमें जो सामने आता है डी आई की वैल्यू वो ज़ीरो आती है। देखिए ज़ीरो यहाँ ही इससे ऊपर जितनी वैल्यू आएंगी माइनस की ही आएंगी हमेशा, और इस जीरो से नीचे जितनी वैल्यूज आते हैं वो पॉजिटिव के आते हैं। यहाँ पर देखिए मैं माइनस करूँगा एक्स आई हमारा क्या 24 माइनस करेंगे हम 17 को, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पर हम 33 है माइनस 17 करेंगे कितना हो जाएगा ये 16 बचेगा, और यहाँ पर 39 में से हम 17 को माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग डी आई फाइंड हो गई है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन इक्वल टू मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखिए हमारा जो ये कॉलम था ये वाला ये हमारा फ्रीक्वेंसीज गिवन है, अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ तो ये हमारा एफ आई फाइंड हो जाएगा जो हम फॉर्मूले में यहाँ पर यूज़ करते हैं सिग्मा एफ आई में। तो देखिए हमें पहले से ही गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे 40 हैं। अब देखिए हमें सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा एफ है कॉलम, ये वाला हमारा डी है। मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई फाइंड कर लेते हैं। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा हो जाएगा एफ आई डी आई, एफ आई ये वाला कॉलम, डी आई ये वाला कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई फाइंड हो जाएगा। तो 11 की मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम माइनस 14 से, तो कितना जाएगा माइनस के 154। 10 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 9 से, कितना जाएगा ये माइनस का 90।
सेवन की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के फाइव से, कितना जाएगा माइनस का 35, फोर मल्टीप्लाई ज़ीरो, देखिए यहाँ तो ज़ीरो है, इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी, ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई सेवन, वैल्यू आ जाएगी 28, थ्री मल्टीप्लाई 16, वैल्यू आ जाएगी 48, ये वन है, वन की मल्टीप्लाई 22 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा टोटल 22। अब देखिए ये जो हमारा एफ आई डी आई फाइंड हो गया, इसका मैं सम कर लेता हूँ, तो वो हमारी जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखिए जीरो से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी, ये तीनों ये माइनस में है, तो इन तीनों माइनस को मैं अलग ऐड कर रहा हूँ, और ये जो वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव है इनको मैं अलग ऐड कर रहा हूँ। देखिए कितना हो जाएगा ये हमारा 4, 5, 9, कैरी नहीं है, 5, 9, 14 और 3, 17, वन कैरी, कितना हो जाएगा 279 माइनस का, इन तीनों का सम माइनस का 279 हो गया। अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है उनको ऐड कर लेता हूँ, 8 और 8, 16, 17, 18, वन कैरी, ये कितना हो जाएगा 3, 7 और 2, 9, 98। देखिए ये हमारा टू माइनस का 279 है और ये हमारा 98 है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो माइनस में आ जाएगा हमारा 1 और ये जाएगा 8, 1, माइनस का 181 हमारा बचेगा। और अब मैं इस जो वैल्यूज़ है, देखिए एफ आई डी ए हमें यहाँ पर पुट कर देना है, सिग्मा एफ आई में यहाँ पुट कर दूंगा, ए हमने 17 लेट किया हुआ था, मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा और हमारा मीन फाइंड हो जाएगा। देखिए ये ए की जगह 17 पुट करा, प्लस माइनस का 181 अपॉन में हम कर देंगे 17 इक्वल्स टू 17 माइनस, ये माइनस यहाँ पर हो गया माइनस 17, बन जा 17। देखिए यहाँ पर जो हमारी एफ आई थी वो 40 थी, ये मैंने 17 लिख दिया था, ये हमारा 40 है। अब मैं देखिए 40 को डिवाइड कर रहा हूँ, 40 से डिवाइड करो 181 को, 40 से डिवाइड करेंगे 44 जा 160, 1 बचा 2, पॉइंट लग जाएगा 0, 45 जा 200, 1, 0 लग जाएगा, 42 जा 80, 200, 45 जा 200, तो हमारे पॉइंट में वैल्यू आ गई है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 4.525। देखिए अब मैं माइनस कर लेता हूँ 17.000 में से 4.525 हमने माइनस कर दिया, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 5, 7, 4, यहाँ पर बचेगा 2, 1, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 12.48। देखिए ये हमारे जो है इसे राउंड ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर 5 है तो कितना हो जाएगा 8, यही हमारा मीन हो जाएगा।